तो देखो यार यहाँ पे ना आगे ब्रीजा पे ये कपड़ा सा टक रखा है, ठीक है, थर्माकोल सा पता नहीं क्या है, अपन जरा हेल्प कर देते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अरुण पवार। कैसे भाई? बढ़िया भाई। तो यार कितनी एनर्जी है यार, एनर्जी देख के तो मेरे को एनर्जी सी आ जा रही है। 15,000 की है ये? 15,000 की किट है बस जो आप देख रहे हो। हाँ, बस किट। ये वैसे भाई ये 45 की थी, 50 लगाया, 1,00,000 की पड़ेगी। स्टार्ट हो ही नहीं थी भाई ये। नहीं हो रही क्या? इसमें सेल्फ का भी ऑप्शन होता है, देखो। ये सेल्फ ही तो मार रहा हूँ। भैया क्यों तू खेल रहा है? ये देखो ये भाई का फार्म हाउस है, ठीक है। हाँ। और भाई हमें घुमाने लेके आया। भाई जरा बता दो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा रूम का। यार देखो मुझे बता देना ये मास्क कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने शायद बहुत पहले दिखाया हो, ऐसे मास्क ना मुझे बड़े पसंद आते, देख रहे हो, मतलब फुल बच्चोदे से लग रहा, फुल खतरनाक। मतलब रात में अगर पहन लेता मतलब बंदे होगी तो टाइट टाइट फंस जाएगी, बोलते ना टेंटे की नहीं वो जाएगा, ठीक है मैटर। अब आते अपने असली रूप में, शायद से ये ज्यादा खतरनाक था, ये ज्यादा खतरनाक था मुझे दादा का बैठ में। लेकिन हाँ मेन चीज क्या, देखो आज की वीडियो अपनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज अपन जा रहे हैं हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है पलवल करके, अपने भाई है अरुण पवार, तुम में से काफी लोग जानते भी होंगे जो कार्स का रिव्यू करते हैं, ठीक है, कार रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, ठीक है। तो आज अपन जा रहे हैं स्पेशली अरुण पवार भाई का। मेन रीजन क्या है कि देखो अरुण पवार भाई अपनी XUV300 का रिव्यू करने वाले, तो काफी खुशी, काफी एक्साइटेड हूं, ठीक है। मेन क्या है कि देखो एज ऑलवेज थोड़ा सा लेट, बित्तो सा लेट तो मैं हो ही गया हूं, तुम्हें मैं टाइम दिखा देता हूं। तुम लोग यार टाइम देख लो, टाइम करीब 3 बजने वाले, तो तुम अपने हिसाब से देख लो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेट तो हो जाएगा। मेन क्या है कि देखो मैं तुम्हें ऊपर चल के दिखाता हूं, ये देखो नोडी को, नोडी यहां पे वैसे सो रहा है। हां, और पग्गू को दिखाता हूं, ये देखो पग्गू, पग्गू भी नींद में ही है वैसे। बाकी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, देखो अभी जस्ट मैंने वीडियो की एडिट करी है, ये देखो अपनी वीडियो बस निकलने वाली, 67% हो चुका है। जैसी 100 होगा वैसे अपन इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करके फिर निकलेंगे, ठीक है। और सबसे मेन तो तुम देख लो, अगर मैं रात में कुछ बचाया होगा ना अपनी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, तो कभी भी पूरा नहीं बचता, ठीक है। तुम देख लो पूरा बर्गर था ये, लेकिन सुबह तक आधा बचा, तो वो मुझे पता है किसने खाया होगा, मम्मी से पूछते हो। आधा खा गया? आधा खा गया, कौन खाया? देखो दीदी ने खाया होगा ऑफकोर्स। यार देखो अगर वो ही बचाया ना तो मैं उसका भी खा लूं, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स KFC के बर्गर के लिए टेस्टी होते हैं, फुल जिंगर बर्गर है। तो फटाफट से इसको खत्म करते हैं, माँ फिर निकले अपने भरना है ना। और तो मम्मी को ना इतने दिन से बोल रहा हूँ, मम्मी अरुण पवार भाई से मिलने जा रहा हूँ, मम्मी तो जानती कौन है? नहीं। अभी अपनी XUV300 का ना रिव्यू बनाएगा भाई, वीडियो जरूर देखियो। क्या हो गया आपसे? क्या क्या लगल है आप सफर? अरे थोड़ा गंदा हो रखा है बोला ना। नहीं, एक दिन पहना होगा। वो तो मैं सबको देती हूँ, मगर कोई कोई काला में पता नहीं चलता। मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम देख लो आज तुम्हारे भाई ने अपनी पहचान पहन रखी, ठीक है। अपने चैनल का जो लोग है, मास्टरवर्ड चैनल का लोगो, वो अपन ने पहन रखा है यहाँ पे। ऑफकोर्स थोड़ी ब्रांडिंग भी करेंगे, है ना। बाकी चलो फटाफट से अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर मैं धीरज को बढ़ाऊंगा अपनी जो सुपर मिनी बाइक है ना, अपन उसको भी अपनी 100-300 बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा खुराफाफी से अपन ने कुछ प्लान कर रखा है, ठीक है। हाँ जी धीरज, धीरज भाई पहले बताओ कितना एक्साइटेड जाने के लिए? भाई बहुत यार, हा? रात से ही आ रहा है धीरज का भाई, ये डायलॉग जो है ना, 3 दिन हो गए। ये तो अपना प्लान है ना जो अपन जा रहे हैं अरुण भाई के पास, मतलब ये प्लान भाई आज से 2 दिन पहले भी था, हा? है ना, लेकिन वो हो गया था पोस्टपोन। तो ये बंदा सोचो 3 दिन से एक्साइटेड है आज इसका डायलॉग चलेगा ना कि भाई ना कल रात से नहीं 3 दिन से एक्साइटेड है, ठीक है। सोच अभी तो इसको बस यहाँ से निकाला है, इसको मेन दिक्कत तो गाड़ी में डालने में होती है। तो देखो यार यहाँ पे ना आगे ब्रीजा पे ये कपड़ा सा अटक रखा है, ठीक है, थर्माकोल सा पता नहीं क्या है, अपन जरा हेल्प कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे कुछ अटक गया है? ओके ऐसे देखो रस्ते में अगर तुम्हें कुछ भी लगे ना कि यार किसी गाड़ी में ऐसी दिक्कत, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी गाड़ी या किसी और ही गाड़ी में ये जब उड़ के आएगा ना शीशे में, तब भाई विजिबिलिटी पूरी खत्म हो जानी है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें कभी भी दिखे, अगर तुम लेट भी हो रहे ना तो थोड़ा सा मदद कर दिया करो यार, मतलब इससे तुम्हारी नहीं तो किसी और की जान तो बची जाएगी, है ना, अच्छा लगता है ऐसे। मेन क्या धीरज, ये देख भाई, अरे ये देख इधर एल लगाया है। अरे ये एल तो यार तुम देख लो अपने सामने पहाड़, नहीं पहाड़ी, और ये अपन अभी यार सोना रोड पे। और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर तुम लोगों को याद होगा, अपन ने सोना रोड पे ट्रैवल तब किया था लास्ट, अपन पैरा मोटरिंग करने गए थे, ठीक है भाई, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। तुम्हें बताना अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं दूसरी बार पैरा मोटरिंग करने जा सकता हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के साथ, मतलब मैं सोच रहा हूँ, बाकी तुम बताना कमेंट्स में कैसा रहेगा। हेलो गाइस, मैं हूं अरुण पवार। कैसे भाई? बढ़िया भाई। ये देख लो भाई अपनी थार में आए, ठीक है, और अपनी ये 300 भाई पीछे देखो मैटर है। हाँ मैं देख लिया भाई वो तो। अरे सुपर मिनी बाइक आई आकाश पवार जी। भैया आपकी कितनी एनर्जी है? मैं तो अभी सो के आया हूँ, मेरे अंदर भाई आप पे ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ। चलो अरे जी कैसे हो? बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम। अरे वाह, देखता हूँ भाई को फुल मोमोज वोमोज चाउमीन खिलाते हुए स्टोरी आती है। अरे बिल्कुल, ये लड़का है।
तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, मतलब तुम लोगों के काफी कमेंट्स आते हैं कि यार मैं इस काम के अलावा मतलब एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा दूं। तो उसके लिए यार देखो मैं आईक्यू ऑप्शन यूज करता था, कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आईक्यू ऑप्शन के यार 50 मिलियन प्लस यूजर्स है गूगल प्ले स्टोर पर। मैंने इसके काफी सारे यार एड्स और अच्छे रिव्यूज देखे न्यूज पेपर में भी, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं डेली कम टाइम में ट्रेडिंग करके 500 से 1000 रुपए कमा सकता हूँ और तुम लोग भी आराम से पैसे कमा सकते हो। और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ऐप कैसे यूज करना है। यहाँ यार बहुत सारे एसेट्स है, जैसे कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, यहाँ पे है पोर्टफोलियो, और यार यहाँ पे है मार्केट एनालिसिस, यहाँ से आपको मार्केट की न्यूज मिल जाएगी, और यार यहाँ है वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो चलो गाइज यहाँ पे जो ग्राफ है इसको देख के आपको प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो कॉल और नीचे जाएगा तो पुट क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं 50 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ और आप लोग देख ही सकते हो यार आपके सामने मैंने प्रॉफिट कर लिया है। और यार पैसे डिपॉजिट करना बहुत आसान है। डिपॉजिट करने के लिए पहले आपको डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करना है, फोन पे, नेट बैंकिंग, बहुत सारे मेथड से आप लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। अब जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है, एंड 24 आवर्स के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। तो देखा तुम लोगों ने मैंने कितने कम टाइम में पैसे अर्न कर लिए, तो तुम लोग भी इतने कम टाइम में पैसे अर्न कर सकते हो। आईक्यू ऑप्शन से ट्रेडिंग करके 500 से 1000 रुपए आराम से कमा सकते हो यार। और हाँ, मार्केट में यार काफी सारे फेक ऐप आ गए आईक्यू ऑप्शन के नाम से, तो उन्हें छोड़ो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से लिंक के थ्रू डाउनलोड करो आईक्यू ऑप्शन को और ट्रेडिंग करके फुल पैसे कमाओ मास्टर वर्ड की तरह, वो भी कम टाइम में। क्या बोल रहे हो आप, लर्नर हो क्या? कैसे लर्नर? आपने वो गाड़ी पे एल लिखवा रखा है। एकदम सही बात बोल रहे हो यार, मैं आज ही ना अपना लाइसेंस टेस्ट दे के आ रहा हूँ, हाँ, जो कि मैं फेल हो गया। अरे भाई आप 5000 रुपए दो ना, हो जाएगा काम। तो वही तो बोलने वाला था भाई, को पता है सेम रेट है क्या? मेरे भाई को छूटते बोलते भाई आकाश कुमार भाई की तो बच्चौनी लगती है मुझे पर्सनली। भाई ऐसे वर्ड्स मैं यूज नहीं करता। अच्छा, आई एम वेरी इनोसेंट गाय। अच्छा यस, मैं ये सब नहीं बोलता। और यार आपके कितनी एनर्जी है, आपकी एनर्जी देख के तो मेरे को एनर्जी सी आ जा रही है। भाई देख लो अपन थार में, मतलब जिसे बोलते हैं ना भाई, बोल सकते हैं अपन कहीं ना कि हरियाणा की सबसे फेमस किया सेल्टोस तो थार अपनी है। नहीं भाई, लोगों को पता होगा, हम तो नहीं बोलते अपने मुंह से ये सब। अरे वाह, नहीं हम लोग हैं भाई, हम बोलेंगे मोस्ट फेमस थार ऑफ हरियाणा। मैं बोल रहा हूँ पहाड़ पे चलते हैं आकाश। भाई चलो चलो, ओ भाई पहाड़ का रास्ता ये है? हाँ यही है। अच्छा, मैं वही देख रहा हूँ। देख लो भाई अपन पहाड़ वाले रास्ते पहुंच चुके हैं, और नीचे देख लो भाई कितना बढ़िया लुक आ रहा है। और आकाश भाई की फेवरेट लोकेशन है, सुनो यस। तो सुपी तक पेट लग रहे हो आप, सामने जो गाड़ी जा रही है। हाँ, इधर से आई जैसे आप सोचोगे कि यहीं से और यहीं से गई हम। अरे हाँ, ये तो दिखा था मुझे, वो दिख रहा है वो टावर सा। हाँ, रेडार है वो। अच्छा, रेडार है। हाँ, तो है। अच्छा, जा सकते हैं हम लोग। अच्छा, उधर चले गए तो सजा, उधर वो एयरफोर्स का है, यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। हाँ यार, या दिनेश भाई मैं अगर होता ना यहाँ पे तो भाई मैं तो समझ लो हर शाम को यहीं पे आया होता। अरे भाई ये ना, ये कहने की चीज है, जो समुद्र के किनारे रहता है ना, और समुद्र में नहीं जाता नहाने। मुझे लगा कि यहाँ पे एक डायलॉग मार देता हूँ सही लगेगा, लेकिन भाई ने पकड़ लिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये बात सत्य है भाई, जो रहता है समुद्र का तो समुद्र ज्यादा जाएगा नहीं, जो रहता पहाड़ का पहाड़ उतना नहीं जाता भाई, कभी कभार बस। धीरज भाई कैसा लग रहा लोकेशन? भाई मैंने तो पहले पूछा पहाड़ पे जा सकते हैं भाई। यू आर वेरी लकी, ऐसी लोकेशन में जो रहता है ना मैं उसको लकी बोलता हूँ भाई। भाई ठीक है, हम भी बहुत महसूस करते हैं। ये क्या कर दिया भाई? आपको लग रहा है मैं अपने नाखून थोड़ा मारूंगा ऐसे? ये क्या, कौन ने करा ये? कुत्तों ने कर दिया भाई, ये कुत्तों को ना मेरी गाड़ी बड़ी पसंद है, ऊपर चढ़ के सोते हैं ये। अरे ये तो गंदा लग रहा है बहुत, इसमें पीपीएफ नहीं करवाई थी ना यार? इसमें पीपीएफ के अलावा बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो आप अपनी वीडियो में देखना फिर। करंट भी मार दिया मैंने, आपको पता लगा लिया आपने। अरे वो तूने करवा दिया क्या? बिना उसके तो नहीं भाई, यही अपना पूरा गांव हो गया है ना। ये पूरा गांव भाई, ये सब रहा तक पूरा आगे आ जाओ। लेकिन पता है भाई, ज्यादा आगे मत बताना यार, वो सामने वाला आए थे ना उधर से थे वो रहा। और ये तो पैदल वाला है, चढ़ने का आने जाने का ही नहीं। मतलब पैदल का काफी साफ बना रखा है। हाँ, पैदल ही तो आते हैं, मान्यता तो पैदल की है। अच्छा, अपन थोड़े गलत टाइप के इंसान है, मतलब ऐसे तो हम सही है। मुझे पता ये ना, इनको लग रहा है कि तुम गलत क्यों बोले तब से यार, मैं गलत नहीं हूँ। तो चक्कर आ गया इस दिमाग में, ये तो भाई अभी ज्यादा हवा चलेगी उड़ भी जाएगा, वो क्या लग रहा है? कागज नहीं मिले भाई हमें, ऐसी बाइक है इसे कागज भी नहीं होते, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं। ये भाई एक्चुअल में ना ये थी मिनी बुलेट, मैंने इसका ये जो किट है ना जो आप देख रहे हो, ये मिनी डुगाटी पहने के लिए गया है, थाईलैंड से इंपोर्टेड। पहली बार ऐसी महंगी महंगी बातें कर रहा हूँ ना भाई, जननी क्या है, दिल्ली में ना टॉप रेसिंग शो के बंदे हैं। 15,000 की है ये, 15,000 की किट है बस।
जो आप देख रहे हो। हाँ, बस किट ये वैसे भाई ये 45 की थी, 50 लगाया, 1 लाख की पड़ेगी। 1 लाख की मोटरसाइकिल, 125 सीसी है भाई, 4 गियर है ना इसमें। तो कितने 1 लाख की है ये भाई? 1 लाख की पड़ेगी मुझे भाई। 1.5 लाख की हमने पाँच ही ली। बहुत समझदार हो भाई, वो चलती भी है, वही तो बात है ना, हमने पेपर भी कर दी, उसके पेपर भी है, उसके इंश्योरेंस भी है। दिक्कत तो यही है, इसके पेपर नहीं होते यार, इसको लेके भी नहीं चल सकते रोड पे, पुलिस पकड़ लेती है। जैसे ये अपना साउथ गुड़गांव हो गया, यहाँ दिक्कत नहीं। गुड़गांव भाई, क्योंकि मुझे भाइयों ने बहुत सही चीज बोली है, तुम देख लो वहाँ पे वो गुड़गांव है ना भाई, वो पूरा फैल के इधर ही आ रहा है। और आने से में इधर फिर आप आकाश कुमार जी, हम बहुत रईस होने वाले हैं, करोड़पति, फिर हम किसी से नहीं मिलेंगे। वो तो अच्छा है, भाई ने हमें आज बुला लिया, भाई हेलो में बैठे। अरे नहीं, फिर हम ऐसे महिंद्रा इनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर हम लग्जरी गाड़ी, रेंज रोवर हो या बिलार या फिर कोई ऊंची ब्रांड हो ना, ऐसा मतलब गरीब लोग कृपया इधर ना आए, सिर्फ अमीर लोग इधर। भाई पर ये ना बात मजाक वाली, चलो ठीक है, लेकिन सच में भाई जो मुनाफा होने, मतलब एक बेनिफिट तो होने वाला है अपने को, होगा ना, होगा ये सीरियस बात निकाल। अब वो हमारे ये मजाक नहीं था, अब वो हमारे बच्चों के टाइम पे, अब वो हमको तो फायदा मिला नहीं, हमारे बालक उसका मजा पौधों के टाइम पे, वो भाई ये देखो ना, ये जो एग्जॉस्ट है ये बाहर से लगवाया है। तो ये कौन सी कंपनी का है भाई? ये सूरत में मंगाई थी, हैंडमेड, स्टार्ट हो ही नहीं थी भाई, ये नहीं हो रही क्या? इसमें सेल्फ का भी ऑप्शन होता है, ये सेल्फ की तो मान रहा हूं भैया। क्यों तू छेड़ रहा है यार? मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, अभी तेरे चौक को नीचे करो मोदी को। भाई कैमरामैन इधर आओ, सबसे कैमरामैन देखो, कैमरामैन देखो, इसकी साइड दिखाओ, साइड दिखाओ इसकी, ये फट गई, ये देखो फटा हुआ। देखो भाई का 80 किलो वजन है, अगर आप लोग भाई अरुण कुमार के चैनल पे पहले बोलो, मेरे 115 किलो है भाई। हाँ, और ये मेरे को भी झेल लेती है। हेलो गाइस, बात करो, ये किस चीज का था, ये किस चीज से बता भाई? ये अपना पुलिस वाले का। हाँ, पुलिस का देखो, ABCD ये चलती है, मतलब ये सी से, सी से ऑन हो गए, सी से। हाँ, सी दबाओ, बहुत अच्छे अक्षर से आपने स्टार्ट करा है। ये देखो जूम इन जूम आउट, ये बताओ कैसी लग रही है क्वालिटी? बहुत अच्छी लग रही है यार, मतलब ये उसके लिए सही है, रात में शूट करने के लिए, है ना। ये वो लोग हैं पीछे से बाल टिकले चले आते हैं, अरे वो शादी ब्याह में बच्चे नहीं होते ऐसे झाड़ते हो। ये देखो, ये भाई का फार्म हाउस है, ठीक है, और भाई हमें घुमाने लेके आया। भाई जरा बता दो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा रूम का? स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बनेगा, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, अच्छा, वहाँ के जो ताज होटल है ना, उसका जो आर्किटेक्ट CEO है वो आएगा, बस का सही में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, क्या बात कर रहे हो। हाँ, वो आके डिजाइन करेगा। हाँ, और ये जो हमारे मिस्त्री है, हाँ, जिन्होंने ताज बनाया था ना, हाँ, उनमें से एक मिस्त्री रह गया था। ओके, ठीक है, फिर तो मैं समझ गया, पुनर्जन्म लेके आया है, फिर तो मैं समझ गया। उसने बोला तो वैसे इन जनरल भाई बताओ कैसे कैसे मतलब रहेगा? कुछ नहीं, ये रूम है, ये वॉशरूम है भाई बस। अच्छा, तो ये ऑफिस टाइप बस 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 ऐसे बैठने के लिए, एसी लग जाएगा, कमरा है, कमरा, बाथरूम, लैट्रिन बस, और इसमें पूरे में घास थोड़ा वैसा लगता है, ओपन टाइप का फार्म हाउस होता है, झूला वूला लगा के बाहर, बढ़िया एकदम ताजगी। हाँ, जैसे बाथरूम करने के लिए, अब जैसे हम लोग आए गए बाथरूम करने के लिए, जैसे हम लोग आ गए बैठ गए आराम से चिल करके, ऐसे भाई क्योंकि आपके पास विजिट्स भी तो बहुत लोगों की होती है लगभग। हाँ, डेली काफी लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता भाई ऐसे सब ऐसे, क्योंकि आप जैसे दिल्ली से आए हैं, अच्छा हमको बहुत पर्सनली गंदा लगता है, इसलिए भाई देखो बेशक अधूरा फार्म हाउस है लेकिन बिठाने लेके आ, बैठ बेटा, बैठो तो बैठ जा। नहीं ना, ऐसे अभी तो 8 कुर्सी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, क्या बात है। तो ये देखो यार, अपन ने यहाँ पे मिनी बाइक पार्क भी कर दी है, ठीक है, और तुम लोग टाइम देख लो, टाइम करीब 11 बज गए, मतलब अपने को आए हुए काफी समय भी हो गया, ठीक है, तब तक तुम देख लो मैंने यहाँ पे मैगी बना दिया। ये देख लो, ये रही अपनी मैगी स्पेशल, मतलब जिसे बोलते ना मैगी 2 मिनट नूडल्स स्पेशल वाली, और यहाँ पे आलू पराठा और ये दही, साथ में हल्की सी दाल, और देखो ये अब्बू भी आ गए हैं, ये अपना फुटेज लेने आ जाता है। तो यार देखो, तुम लोगों को पता है रात हो रही है, ठीक है, खाना अपने साथ है ही, तो अपन बढ़िया से, तुम लोग जानते हो IPL देखते हुए अब तक खाना खाऊं, मतलब देखो मैं तो डेली IPL के हाइलाइट्स देता हूं, तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी IPL की, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी
यही तो फेवरेट। देखो इस बार ना लखनऊ है, ठीक है, मतलब लखनऊ जो खेल रही है ना, कोई गलत जैसे बोलते ना, लखनऊ मेरी फेवरेट टीम है। बाकी तुम लोग बताना कमेंट्स में, वीडियो तो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ सबसे मेन देखो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये अपनी आईडी है मास्टर बटर। तुम लोग इंस्टाग्राम पे सर्च भी सकते हो, ठीक है, सर्च कर लो मास्टर बटर, फॉलो मार लो, क्योंकि देखो तुम लोग जानते हो इंस्टाग्राम पे भी अपना एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट रील जैसे मैं डालता रहता हूँ, तो फॉलो कर लो उधर भाई की, थोड़ी चौड़ बढ़ाओ, ठीक है। और अगर तुम मुझसे पूछो, देखो मुझे तो यार अरुण भाई से मिलकर मजा आ गया, ठीक है, मतलब जैसे बोलते ना क्या बंदे यार, ज्यादा नहीं बोलते लेकिन जब बोलते हैं तो करंट ही बोलते बोलते ना फुल गलत वाला। चलो वीडियो पे खत्म करते हैं यार, मैं वापस से अरुण, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.